आज मैं लाया हूँ पांच ऐसा फेजल वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कालीन। कालीन का मतलब होता है किसी की सर्विस लेने के लिए बुलाना या किसी को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि डॉक्टर को बुलाओ, यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि डॉक्टर को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाओ या उसकी सर्विस लेने के लिए बुलाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कॉल इन अ डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर को बुलाओ। प्लम्बर को बुलाओ, यानी उसकी सेवा लेने के लिए या उसकी सर्विस लेने के लिए बुलाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कॉल इन अ प्लम्बर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पहला वर्ड समझ में आया कि कॉल इन का मतलब होता है किसी आदमी को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाना, यानी उसकी सर्विस लेने के लिए बुलाना। कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि खराब मौसम के वजह से मैच को खत्म कर दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, यानी खराब मौसम के वजह से मैच को खत्म कर दिया गया। अगर आपको कहना हो कि बंदी कल खत्म हो जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो, यानी बंदी कल खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। कॉल ऑफ का मतलब होता है याद करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा तोता जो सुनता है उसे याद कर लेता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माय पैरट कॉल्स अप व्हाट इट लिसंस, यानी मेरा पैरट जो सुनता है उसे याद कर लेता है। यहाँ कॉल ऑफ का मतलब हुआ याद कर लेना। अगर आपको कहना हो उस हादसे के बाद वह अपनी बीती जिंदगी की बातों को याद नहीं कर पा रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप हिज पास्ट इवेंट्स, यानी उस हादसे के बाद वो अपनी पिछली जिंदगी की बातों को, यानी इवेंट्स को याद नहीं कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कॉल अप का मतलब हुआ याद करना। कॉल ऑन या कॉल अपॉन दोनों का मतलब होता है किसी को किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाना, यानी किसी इंसान को कहीं बुलाना किसी मुद्दे पर बोलने के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो अब मैं चेयरमैन को स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऑन द चेयरमैन ऑन द स्टेज। आप ये भी कह सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन द चेयरमैन ऑन द स्टेज, यानी अब मैं स्टेज पर चेयरमैन को बुलाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कॉल ऑन या कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाना। अगर आपको कहना हो कि वह पोल्यूशन पर बोलने के लिए मुझे बुलाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कॉल्ड ऑन मी टू स्पीक अबाउट पोल्यूशन। आप ये भी कह सकते हैं ही कॉल्ड अपॉन मी टू स्पीक अबाउट पोल्यूशन, यानी वह प्रदूषण पर बोलने के लिए मुझे बुलाया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि कॉल ऑन या कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाना। आइए अब लास्ट वर्ड देखते हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह पैसा मांग रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज कॉलिंग फॉर मनी। मेरा भाई एक लैपटॉप मांग रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई ब्रदर इज कॉलिंग फॉर अ लैपटॉप। अगर आपको कहना हो कि वह मदद मांग रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज कॉलिंग फॉर हेल्प। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि कॉल्फा का मतलब होता है मांगना। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इन सभी टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।